नमस्कार, SSN Solution चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने 26 नवंबर 2020 तक आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम 30 नवंबर 2020 में आए हुए क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। स्टार्ट क्वेश्चन पार्ट बी 46 से कर रहे हैं। क्वेश्चन 46 है, द यूलर इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय द एक्सटर्नल ऑफ द फंक्शनल आई ऑफ वाई। ये हमें फंक्शनल दिया हुआ है। डिफाइन ए सॉल्यूशन कर्व इन द एक्स वाई प्लेन व्हिच इज लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इस फंक्शन का जो एक्सटर्नल है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर इन फोर ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन को राइट करेगा, तो वो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें यूलर इक्वेशंस दी हुई है, तो यूलर इक्वेशन होगी हमारी यहाँ डेल एफ डेल वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स डेल एफ डेल वाई डैश इक्वल्स टू जीरो इंप्लाइज करके एफ का वाई के रेस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये बनेगा हमारा 2y। यहां वाई नहीं है, इसका जीरो बन जाएगा। माइनस डी वाई बाई डी एक्स एफ का वाई डैश के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी एक्स क्यूब इक्वल्स टू जीरो इंप्लाइज करके 2y। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम एक्स क्यूब का, तो ये बन जाएगा 3x square equals to 0 implies करके 2y equal में 3x square implies करके y of x की जो वैल्यू आई वो 3 by 2x square। ये हमारे पास में y of x है और इसे हम क्या लिख सकते हैं, f of x equal में ax square plus bx plus c और where a not equal 0। तो ये जो इक्वेशन होती है इस इक्वेशन को बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां 3/2 नॉट इक्वल 0 है, 3/2 नॉट इक्वल 0 है, x स्क्वायर आ रहा है, दैट मींस ये इक्वेशन हमारी कैसी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो लीनियर भी नहीं है, लीनियर मतलब यहां x होना चाहिए था, क्यूबिक यहां क्यूब होना चाहिए था वो भी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक तो यहाँ साइन कोस टेन कोट में हमारे पास में कोई वैल्यू नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड, क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 98 है, कंसीडर द प्रॉब्लम ऑफ एक्सट्रीमाइजिंग द फंक्शनल आई ऑफ वाई। फंक्शनल हमें दिया हुआ है वाई इंटू 3x माइनस वाई with boundary conditions y of 1 equals to 1 and y of 3 equals to 2, which of the following statements are true? Options है हमारे पास first, second, third and fourth। अब यहां इस function का हमें extremizing value निकालनी है, तो Euler-Lagrange equation हम apply करेंगे। तो यहां यूलर लाग्रांज इक्वेशन बनेगी हमारी डेल एफ डेल वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स डेल एफ डेल वाई डैश इक्वल्स टू जीरो इंप्लाइज करके एफ का वाई के रेस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं एफ एक्स वाई वाई डैश, हमें ये दिया हुआ है 3xy माइनस वाई स्क्वायर, 3xy माइनस y स्क्वायर, इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y, तो हमें मिलेगा यहां से 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y माइनस dy by dx f का y की डैश के रेस्पेक्ट में, तो यहां y डैश नहीं है तो इसका जीरो बन जाएगा, इंप्लाइज करके हमारे पास में y ऑफ x की जो वैल्यू आई वो आई 3/2x। y ऑफ x की हमारे पास वैल्यू आई 3/2x। अब हम यहां मिस्टेक क्या करेंगे, हम आगे क्वेश्चन में न जाके यहीं से हम ऑप्शंस पे जाएंगे और हमें दिखेगा कि देयर इज ए यूनिक एक्सटर्नल, ये फिक्स है तो ये यूनिक एक्सटर्नल भी है,
वाई ऑफ एक्स का मान सेम टू सेम आ गया तो और अच्छा, ये भी हमारा राइट हो जाएगा। तो यहां हम क्या करेंगे, जल्दबाजी में फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन को राइट करके आ जाएंगे, जबकि हमें कंडीशंस भी दी हुई है। तो यहां ये ऑप्शन भी हमें दिया हुआ है, देयर आर नो एक्सट्रीमल, दैट मींस जो फंक्शन आया, अब हमारे माइंड में आना चाहिए कि यहां नो एक्सट्रीमल है, इसका मतलब कहीं फंक्शन बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये भी हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नो एक्सट्रीमल भी दिया हुआ है। तो अब यहाँ हम कंडीशंस अप्लाई करें, y of 1 equals to 1 implies करके x का मान 1 रखने पर y का मान 1 आना चाहिए, तो यहाँ 1 equals to ये बनेगा हमारा 3 by 2, but 1 is not equal 3 by 2. 1 is not equal 3 by 2, that means इसका कोई एक्सट्रीमल नहीं है, बट जल्दबाजी में हम फर्स्ट और सेकंड को राइट करके आ जाएं। तो यहां हम जल्दबाजी न करके क्वेश्चन को पूरे एक्यूरेसी के साथ चेक करें, सॉल्व करें। तो यहां हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, क्यों, क्योंकि ये इसकी बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, एक को भी नहीं कर रहा, तो दूसरे पे हमें नहीं देखना, तो यहीं पे ये हमारा डिस्कार्ड हो गया, तो इसका कोई एक्सटर्नल नहीं होगा। तो ये थे नवंबर 2020 तक आए हुए सीओबी के क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नई सीरीज के साथ स्टार्ट होंगे। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां आपको बेस्ट कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।